हेलो गैस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला के छिलका की सब्ज़ी। बहुत लोग छिलका फेंकते हैं, पर आज मैं सोची कि छिलका की सब्ज़ी बना के देखती हूँ। तो मैंने लिया यहाँ पे 3-4 आलू को मैंने लंबा लंबा काट ली हूँ। और आलू नरम करने के लिए थोड़ा सा प्याज के साथ मैंने भून ली हूँ। और इसमें लाल मिर्च नमक डाल के थोड़ा सा नरम करने के लिए मैं ढक के रख देती हूँ। हल्का सा थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। तो ढक के मैं 4-5 मिनट के लिए ढक ली हूँ। और देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा आलू थोड़ा सा नरम हो गया। अब जो छिलका धो के रखी हूँ, हल्दी नमक लगा के रखी थी, इसको अच्छा से धो ली हूँ। इसको निचोड़ के रखी हूँ, इसको अब डाल देती हूँ। सारे को मैं डाल ली हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा भून लेती हूँ इसको अच्छा से। मिक्स हो गया अच्छा से। अब इसमें लंबा लंबा टमाटर काट के रखे हैं, उसको ऊपर से डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी और धनिया पाउडर और गरम मसाला, क्योंकि नमक तो पहले भी डाले हुए, बाद में टेस्ट के अनुसार से डाली हूँ। बाद में टेस्ट करके फिर ऊपर से डाल सकते हैं, ज़्यादा ना हो जाए बोल के। अब हाई फ्लेम पे थोड़ी सी रखेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ढक के रखते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा टमाटर गल गया है अच्छा से। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब ऊपर से डाल दी हूँ मैं दीगी मिर्ची थोड़ी सी कलर आने के लिए। थोड़ा सा मेरा आलू अच्छा से पक गया सब्जी। तो अब थोड़ा सा खट्टा मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इमली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इमली को नरम करने के लिए और 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, उसका स्टीम से इमली नरम हो जाए। देख सकते हैं स्टीम पूरा अच्छा से हो गया। अब हमारा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। अब ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया। मेरा चैनल को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब।